मुबारक टू ऑल ऑफ यू। ईद हो और आप पिक्चर्स ना लें तो ये कैसे हो सकता है। पार्क में इतना रश है जैसे सब जो है ना इसे पार्क में ही आ गए। आज है हम ईद की दावत के होस्ट। वो ये टिक्के शिक्के वगैरह जो है वो लग रहे हैं और वहाँ पे जो है वॉलपेपर बन चुके हुए हैं। तो ऊपर नीचे के इतने चक्कर लगा लिए हैं ना कि अब मेरी बस रुकी है। सारे बैठ के यहाँ सिर्फ खाने का वेट करेंगे, कभी तो खाना आएगा। भाई वाला क्वेश्चन आ गया, शिप फेवरेट वाला क्वेश्चन। आइसक्रीम इज सच अ कंपल्सरी थिंग, तो आपका मेरे साथ साफ करते हैं। ये ले मामू, थैंक यू। जो है वो कम पड़ गया था इसलिए हम दूसरी आइसक्रीम लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मानूर फारूक। वेलकम टू माय न्यू डे विद द न्यू ब्लॉग। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। तो आज का दिन बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज है ईद। आज ईद का जो है वो दूसरा दिन है। कल भी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था लेकिन ये सीन हुआ कि वो स्टार्ट का बीच में ही रह गया। पहले दिन पे हम लोग इतने ज़्यादा बिजी थे, इतना मेरे साफ वगैरह वाला सीन हो गया था, कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लेकिन इट्स डे टू ऑफ ईद और आज है हम ईद की दावत के होस्ट। तो आज सब हमारे घर आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला होगा, मज़ा आएगा। और मैं जो हूँ ना वो फुल रेडी शेडी हो गई हूँ और बस अभी जो है ना वो शाम हो गई हुई है। हम सोच रहे हैं कि पहले जाके हम पिक्चर्स वगैरह ले लें क्योंकि फिर पिक्चर्स का टाइम चला जाएगा, क्योंकि दिल ढंडे लग गया और हमारे पास टाइम नहीं होगा। फिर पहले हम जा रहे हैं पिक्चर्स लेने के लिए क्योंकि विच इज़ वेरी मैंडेटरी थिंग। ईद हो और आप पिक्चर्स ना लें तो ये कैसे हो सकता है। सबसे पहले जाते हैं पिक्चर्स लेकर आते हैं और फिर आपको फिर पूरा सीन दिखाएंगे कि आज क्या क्या होने वाला है। तो हम लोग जो है ना वो यहाँ पार्क आ चुके हुए हैं। अब हम पार्क में जो है ना पिक्चर्स विक्चर्स वगैरह लेने लगे हैं और पार्क में इतना रश है जैसे सब जो है ना इसे पार्क में ही आ गए फोटो वगैरह लेने के लिए। और हम अपना स्पॉट ढूंढते हैं कि जहाँ हमने पिक्चर लेनी है। हम तैयार तो होकर आ गए हैं, फोटो की जगह ढूंढ लो कहाँ लेनी है। देखो हम सारे पार्क में तो आ चुके हुए हैं। मैं वो हूँ जिसको धूप के बगैर वाली पिक्चर्स पसंद आती हैं और ये लोग वो हैं जिनको धूप के साथ वाली पिक्चर्स पसंद आती हैं। दे बी लाइक धूप ढूंढो धूप ढूंढो, और मुझे जिसको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, मेरी पिक्चर्स आराम से आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो अभी हमें एक स्पॉट मिला जहाँ पर धूप में पिक्चर्स वगैरह आ सकती हैं, तो हम वहीं पर जा रहे हैं। फाइनली हमें एक स्पॉट मिल गया जहाँ पर हमें धूप में पिक्चर्स मिल सकती है, और धूप में तो इज़ लाइक मेरी तो आंखें भी नहीं खुलती यार, लेकिन इनको धूप में पिक्चर्स चाहिए। तो इट्स बीन आफ्टर अ वाइल, ठीक है। हम लोग जो है वो पिक्चर्स लेने के लिए चले गए थे, उसके बाद घर आकर जो है वो मेहमान शेहमान सारे आने लगे थे और हम उसी में इतना बिजी हो गए। तो अब जाके जो है ना मुझे टाइम मिल रहा है कि मैं अब जाके कुछ रिकॉर्ड वगैरह करूँ। मेरे हाथ में अब फोन आया तो मेहमान शेहमान जो है वो हमारे सारे आ चुके हैं। बारबेक्यू का सीन है तो फिर सारे जो है आदम ने कहा कि हम पहले वैसे नीचे बिठाते होते लेकिन सबको हमने ऊपर जो है वो बिठा दिया। जो है वो ऊपर जा चुके हुए हैं, अब हम चलते हैं ऊपर जाके सबको तंग करते हैं। तो गाइस हम जो है ना वो ऊपर जा रहे हैं और मुझे जो है ना वो नान की जिम्मेदारी पकड़ा दी गई है कि नान देखें जरा, इतने ज़्यादा नान मुझे पकड़ा दी हैं, अब हम जो है ना वो ऊपर जाके देख कर आएंगे। तो यहाँ पे जो है वो ये टिक्के शिक्के वगैरह जो है वो लग रहे हैं और वहाँ पे जो है वॉलपेपर बन चुके हुए हैं और ये और लग रहे हैं अभी, और वहाँ पे हर जगह जो है बस टिक्के शिक्के लग रहे हैं। तो हम जो है ना वो ऊपर आ चुके हुए हैं एंड दिस इज माई कज़न आरज़ू, ठीक है। तो इफ़ यू गाइस कैन सी सब पीछे बैठे हुए हैं मजे से कर रहे हैं। आरज़ू आर यू एंजॉइंग? पहले हमारा सीन था कि हम नीचे वाले जो है ना एरिया में, अभी फिलहाल हम छत पे आए हुए हैं, तो हमारा सीन था कि हम नीचे वाले एरिया में करेंगे, लेकिन फिर क्या हुआ कि मौसम इतना अच्छा है सबने का, ऊपर बैठे थे इतनी मज़े की हवा चल रही है, इसलिए हम सारे जो है ना वो ऊपर आके अब बैठे हैं। और इतना ज़्यादा हमने काम किया और तो कुछ बोल ले यार। और हम आज पार्क से क्या है, हम पार्क नूरापे की वजह से, हमारी सूरज की रोशनी में हमने पिक्चर देनी थी और नूरापे की वजह से हम लेट हो गए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। हम 4 बजे गए हैं, नूरापे की पिक्चर वैसे ही बाद में भी अच्छी आ गई थी, लेकिन हमें था कि रोशनी होगी तब तक, लेकिन कोई बात नहीं, हमें मज़ा आया, अच्छा सीन था। चाचू भी हमारे साथ आ गए हैं। चाचू आपको कैसा मज़ा आ रहा है? क्या इंजॉय हो रहा है? वेदर इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे इतना शोर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं। चाचू और मैं तो वेट कर रहे हैं कि कब जो है वो बारबेक्यू बने और हम जाके खाना स्टार्ट करें। यार मौसम बहुत अच्छा है तो ऑल सेट हो। तो मौसम मम्मू आप मम्मू आप इतना लेट क्यों आए हैं? नमाज पढ़ने चला गया था। अंकल आपने कुछ कहना है? हेलो अंकल, अंकल जो है कब से लगे हुए हैं बेचारे, अंकल को हमने काम पे लगा दिया। अंकल आप थक तो नहीं गए? थक तो मैं हल चला रहा हूं। नहीं नहीं। हेलो मामू। हेलो। सारे मामू एक साथ आए हुए हैं। मामू आप इंजॉय कर रहे हैं? मौसम इंजॉय कर रहे हैं वैसे तो, मौसम बाकी बहुत अच्छा है। मैं फिर से एक काम दे दिया गया है, जा रहे हैं नीचे टेबल वगैरह इकट्ठी करने के लिए, तो लेट्स गो यार टेबल लेकर। तो गाइस टेबल हमने पकड़ लिया, अब ये ऊपर लेके जानी है, लेट्स गो। उसको जरा हम खोलें, जूता मैंने बाबा का जूता पहना है। तो ऊपर नीचे के इतने चक्कर लगा लिए हैं ना कि अब मेरी बस रुकी है। वाला क्वेश्चन आ गया, सबसे फेवरेट वाला क्वेश्चन। मानू काका ऐसे करो ना, ऐसे करो ऐसे क्या यहाँ मुंह रखते हैं। यस
ये मेरा काका मेरा तो गाइस वी हैव अ स्पेशल गेस्ट विद अस। आज हमारे घर में बड़े बड़े लोग आए हुए हैं भाई, द वन एंड ओनली माय कजन, जो कि आपको मेरे व्लॉग्स में कम देखने को मिलते हैं, लेकिन वो आज आए हुए हैं। और एक और मेरी पीछे कजन आ रही है, जो बच्चों को तो वैसे ही आग लगी हुई थी कि मेरे व्लॉग में आ गई और इतना ज्यादा शोर हो रहा है, पता नहीं आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। इस बंदी को इतनी भूख लगी हुई है, कब से कंटिन्यूसली कह रही है कुछ खाने को है, और यहाँ पे सारे जो है ना वो प्लेट्स वगैरह लग चुकी हुई है, सारे बैठ के यहाँ सिर्फ खाने का वेट करेंगे, कभी तो खाना आएगा। भाई इतनी ज्यादा भूख लगी है इस टाइम पे कि सुबह से लेके अब तक मैंने कुछ भी नहीं खाया, मेरी इस टाइम बिल्कुल बस हो गई है, आई नीड खाना। तो यहाँ पे हमारे पास दही भल्ले आ चुके हैं, ये मुझे प्लेट दिखाई, और ये हमारे पास जो है ना बारबी के लिए सारे विंग्स वगैरह आ चुके हुए हैं, और पिज्जा को इतनी भूख लगी और पिज्जा कह रही है बस इसी तरीके से मुझे मिल जाए। हम जरा पहले कुछ खा लें क्योंकि उससे पहले हमसे कुछ नहीं होने वाला, तो रिलैक्स खाना खाना खा के हम लोग फ्री हो चुके हैं, और सब इतनी बातों में मसरूफ हो गए थे, इतना हल्ला गुल्ला मच गया था, और बीच में फिर मैं अपना कैमरा निकालना भूल जाती हूँ, फिर वो टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं अब एक ब्लॉग बना पाऊँ। लेकिन खाना खाने के बाद आइसक्रीम इज सच अ कंपल्सरी थिंग, तो अब हम लोग आइसक्रीम खाने लगे हैं और मज़ा करते हैं, सब मिले हुए हैं, सब मज़े कर रहे हैं, और इतना ज़्यादा हल्ला गुल्ला मच गया और सबको बस आइसक्रीम चिल्ला रहे हैं, और कोई यहाँ पे आइसक्रीम फिर खोल रही, मैं आपको दिखाती हूँ, ज़रा आइसक्रीम खुल रही है, जल्दी से सबको आइसक्रीम मिलने लगी। आप ये तो मेल्ट हुई है, मेरे साथ करते हैं, ये ले मामू, थैंक यू, चले लाओ मैं सबको सर्व करती हूँ, ये ले आंटी, आंटी है वो कम पड़ गया था इसलिए हम दूसरी आइसक्रीम लेकर आए हैं कि भाई सबको खुद ही आ जाए, इसलिए ये वाली है कौन सा फ्लेवर, पिस्ताशू फ्लेवर, ठीक है आप दूसरी वाली लेकर आ गए, हम दूसरी वाली सर्व करते हैं, पसंद भी नहीं है वो, मुझे नहीं पसंद, मैं ये वाली खाऊंगी, का वेट करते हैं कि हमारी बारी भी कभी ना कभी तो आएगी जो मुझे भी आइसक्रीम मिलेगी। मेरी भी बारी आ ही गई है, उप्पो मुझे डाल दे, मेरी भी बारी आ गई है, थैंक यू फॉर द आइसक्रीम। इतने मेहमान थे यार, तो उनको ही सब हैंडल करने में आज का पूरा दिन गुजर गया, लेकिन बहुत मज़ा आया, लेकिन वो सब चीज़ें मैं व्लॉग में कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि इतनी ज़्यादा हफड़ा तफड़ी मच जाती है, ये हो गया वो हो गया, ऐसे कर लो वैसे कर लो, मैं व्लॉग उस तरह का नहीं बना पाई जिस तरह का व्लॉग होना चाहिए था। खैर आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, जो मैंने टूटा फूटा व्लॉग बनाया, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।